हेलो नमस्ते, हैप्पी कुकिंग के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अच्छा, मैं पहले बोल के रखती हूँ, आप देख सकते हैं मैं गार्डन में बैठी हूँ, बाहर बैठी हूँ। विंटर के टाइम पे मुझे बाहर बैठना बहुत पसंद है, इतनी अच्छी मौसम होती है। लेकिन बाहर बैठी हूँ इसलिए थोड़ा सा शायद आपको आवाज़ का डिस्टर्बेंस आ सकती है, प्लीज़ बियर विद मी। तो आज शिमला मिर्च की एक रेसिपी बनाऊंगी जो मैं घर पे तो बहुत बार बना चुकी हूँ, हर बार रोटी पराठे के साथ। खासकर इस रेसिपी को सब इतना पसंद करते हैं तो मैंने सोचा कि मैं इसी रेसिपी को इस बार शेयर करूँ। चलिए बना लेते हैं शिमला मिर्च मसाला। शिमला मिर्च मसाले के लिए जाहिर सी बात है हमारी मेन इंग्रेडिएंट है 450 ग्राम हरी वाली शिमला मिर्च, जिसे मैंने वॉश करके ड्राई कर लिया था। अब इनमें से मैं सीड निकाल दूंगी। तो हर शिमला मिर्च में से पहले सीड निकालने के बाद उसे हम इस तरह के छोटे वाले डाइसेस में काट लेंगे। कोशिश कीजिए कि कुछ एक जैसे ही इनका शेप और साइज हो। तो चलिए सबसे पहले तो सारे शिमला मिर्च को हम काट लेते हैं। तो लीजिए, ये सारे शिमला मिर्च हमारे कट गए। अब हम इनके लिए ग्रेवी प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ हमने ली है 2 छोटे चम्मच मगज के दाने और 2 बड़े चम्मच काजू, जिनको मैंने थोड़े से गर्म पानी के साथ इस तरह मिक्सर के ग्राइंडर जार में एकदम बारीक पीस ली है। साथ में हमें चाहिए ये सारी चीज़ें, तो आपको एक एक करके बताती हूँ। 4 छोटी इलायची, 2 इंच करीब दालचीनी और 5 से 6 लौंग के दाने, 4 से 5 हरी मिर्च को मैंने बारीक पीस ली है। आप अपने स्वादानुसार इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट, 1 बड़ा प्याज बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा टमाटर बारीक कटी हुई, 2 चम्मच हल्दी, स्वादानुसार नमक, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच अजवाइन और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। तो ग्रेवी के लिए कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ले ली है, जिसमें मैंने गरम मसाले का तड़का डाल दिया। गरम मसाले का तड़का को थोड़ा भूनने के बाद अब इसमें मैंने प्याज डाल दी। अब प्याज को हम गोल्डन होने तक भूनेंगे। प्याज थोड़ा सा गोल्डन कलर का हो जाने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे अदरक का पेस्ट और लहसुन का पेस्ट। अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी प्याज के साथ भूनेंगे कच्चा स्मेल जाने तक। जब इनका कच्चापन निकल जाए तो इसमें अब हम डाल देंगे एक एक करके बाकी की चीज़ें। तो पहले गई टमाटर, टमाटर को इसके साथ भूनेंगे टमाटर थोड़ा सा नरम होने तक। अब टमाटर थोड़ा गल चुका है तो इसमें मैंने डाल दी 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच और जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच। साथ ही साथ मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच मिर्ची का पाउडर भी डाल दिया। अब सारे मसालों को हम धीमे आग के ऊपर अच्छे से भूनेंगे। मसाला अच्छे से भून जाने के बाद इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च का पेस्ट। शिमला मिर्च मसाले में हरी मिर्च के पेस्ट का खुशबू बहुत अच्छा लगता है। हरी मिर्च को डालने के बाद इसे थोड़ी देर और चलाएंगे। जैसे ही इसमें से तेल अलग होना शुरू होगा तो समझ लीजिए ग्रेवी का पेस्ट तैयार है। अब इसको आग में से हटा के थोड़ा हल्का सा ठंडा करेंगे, खौलता गर्म मत डालिएगा। ग्राइंडर जार में इसे हम अब पीस लेंगे। देखिए, पीस के ये इस तरह बिल्कुल बारीक पेस्ट बन जाएगी। हालांकि ये पेस्ट बारीक है, फिर भी आप अगर चाहे तो इसको एक बार छान सकते हैं। वापस से छानने से ये और ज़्यादा महीन हो जाएगा। अब एक पैन में हमने 2 चम्मच सरसों का तेल ली है और इस तेल के अंदर हम डाल देंगे अजवाइन का तड़का। तड़के को थोड़ा चलाकर लेंगे ताकि इसकी अच्छी खुशबू निकल आए। अब इसके अंदर डाल देंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को तड़के के साथ में एक बार चला के मिला लेंगे। उसमें डाल देंगे 1 छोटा चम्मच नमक, नमक को भी शिमला मिर्च के साथ मिला दें और उसके बाद बिल्कुल मीडियम आग में ढक के इसे सिर्फ 2 मिनट के लिए पकाना है हमें। ओवर कुक बिल्कुल मत करिएगा। 2 मिनट पक जाने के बाद ढक्कन उतार के शिमला मिर्च में हम डाल देंगे पानी, लेकिन हम नॉर्मल प्लेन पानी नहीं डालेंगे।
हमने मगज के दाने और काजू के जो पेस्ट जिस बोल में रखा था उसी बोल को धोकर आधा बोल पानी यानी आधी कटोरी पानी हमने यहाँ पे डाल दिया है। पानी के साथ शिमला मिर्च को मिलाइए, फिर से इसे ढक के पकाना है एक मिनट के लिए। सिर्फ एक मिनट बाद हम ढक्कन उतार के इसमें अब डालेंगे ग्रेवी का पेस्ट। तो लीजिए, हमने ग्रेवी का पेस्ट ये जो तैयार किया हुआ था वो पेस्ट सारा डाल दिया और अब इसमें डाल देंगे साथ ही साथ थोड़ा सा और पानी। लेकिन पानी मिलाने से पहले ग्रेवी के पेस्ट को अच्छे से कैप्सिकम के साथ यानी शिमला मिर्च के साथ मिला लीजिए। इस तरह अच्छे से ग्रेवी के पेस्ट को शिमला मिर्च के साथ मिलाने के बाद ग्रेवी का पेस्ट जिस ग्राइंडर जार में था उसी को धोकर आधा कप पानी और डाल देंगे। अब इसमें और डालेंगे मगज के दाने और काजू का पेस्ट 2 चम्मच। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला दीजिए और मिल जाने के बाद ढक्कन के बगैर इसे मीडियम आग के ऊपर पकने दीजिए। 2 से 3 मिनट पकने के बाद ये इस तरह थोड़ा सा सूख जाएगा, आप देखिएगा, क्योंकि काजू का पेस्ट है तो ये गाढ़ा कर देता है और उसमें एक रिचनेस भी आती है। देखिए, शिमला मिर्च अच्छे से पक तो गया लेकिन बिल्कुल भी इसका टेक्सचर ख़राब नहीं हुआ, वो उतना ही क्रंची है और इतना खुशबूदार है, क्या बताऊँ। अब हम इसको सर्विंग वाले बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और परोसिए गर्मा गर्म रोटी पराठा चावल या पुलाव के साथ। तो लीजिए, बन गया हमारा शिमला मिर्च मसाला। ये एक रेसिपी जिसमें इतना ज़्यादा फ्लेवर होता है कि आप यकीन करिए, जब मैं बनाती हूँ तो पूरे घर में इसकी खुशबू होती है। हालांकि ये है एक वेजिटेबल की, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लेवर होती है, दिखने में भी सुंदर होती है। आप अगली दफ़ा कभी भी मेहमान आए तो रोटी पराठे के साथ इस रेसिपी को परोस के देखिए, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है इसका, क्या बताऊँ। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा ये रेसिपी। अगर आप नए हो मेरे चैनल पे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर देना। मैं थोड़े थोड़े दिन के बाद जब भी टाइम मिलता है ज़रूर कोई ना कोई नया डिश यहाँ पोस्ट करती रहती हूँ, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये डिश पसंद आया है तो इसको लाइक करने के साथ साथ शेयर करना ना। अच्छी चीज़ें बांटने के लिए होती है तो जरूर बांटें। अपना ध्यान रखिए, अगली दफ़ा वापस आने तक तो आज यहीं तक। हैप्पी कुकिंग।